अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके हर दिल अजीज़ प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई और करप्शन, और हमारे पैनल पर पहले मेहमान हैं कृष्णा राव जी, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका इस्तकबाल है जनाब, थैंक यू। उसके बाद नाजरीन हमारे साथ हैं अनिल गलगली जी, 15 सालों से सोशल वर्कर हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अनिल जी, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। सुलेमान भिमानी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप भी और आरटीआई के लिए बहुत काम करते हैं, और ख़ास तौर पर आरटीआई इंफॉर्मेशन से इकट्ठे करने वालों को कोर्ट तक पहुंचाने में बड़ी मदद करते हैं। आपका इस्तकबाल है जनाब, शुक्रिया। उसके अलावा हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान और इस्लामिक स्पीकर जैद खालिद पटेल साहब हैं। जैद भाई, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मैं आप सब की तरफ से एक बड़ा बुनियादी सवाल अपने सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगा, और वो ये कि ये आरटीआई है क्या, आरटीआई होता क्या है, और आरटीआई की ज़रूरत हमारे समाज को क्यों पड़ी। शुरू करते हैं आपसे। गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास या प्रशासन के पास जो भी कागजात हैं, उन सभी कागजात पर आम आदमी का हक है। डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है कि हर एक इंसान को जो उसके नाम से काम हो रहा है सरकार में, उसको पढ़ने का हक है, उसे जानने का हक है, उसके कॉपीज़ अपने पास रख के उसको लेकर शिकायत करने का हक है, या उसे लेकर मीडिया तक पहुंचाने का हक है। तो ये हक जो है सरकार के पास, हमारे नाम के कागजात, हमको लगते हुए जो कागजात हैं, उसको पाने के लिए जो एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है सूचना का अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कानून जो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार और सरकारी दफ्तरों में होने वाले तमाम कामकाज और वो तमाम चीज़ें जो हमसे और हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, उन्हें और उनकी ग्रोथ के बारे में जान सकें, सवाल कर सकें। अब अनिल जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम के कानून की ज़रूरत हमारे समाज को क्यों आन पड़ी। क्या इससे पहले हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी या हमारी सियासत जो थी, वो हमसे उन खबरों को छुपा रही थी जिन पर हमारा हक? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सूचना का अधिकार है, भले ही आज कानून बना है, मगर हम पुराने अगर कोर्ट के जो अलग अलग मामले देखेंगे, उसके फैसले अगर देखेंगे, और जो अपना भारत का संविधान है, उसमें भी हर एक व्यक्ति को सूचना का अधिकार, उसके राइट्स का अलग अलग प्रावधान किया गया है, मगर व्यापक तौर पर नहीं था। और निश्चित तौर पर जब कोई सरकार या सियासत काम नहीं करती, तब जाके राइट टू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आज आम लोगों को पड़ रही है। यानी जब जब सरकार फेल होती है, जब जब प्रशासन अपना काम नहीं करता है, जो देना उनका बुनियादी काम होता है, जो उनका अधिकार होता है, जब उससे वो भागती है, एक लाइन में कहेंगे तो जब अपनी जवाबदेही से वो भागती है, तब सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हर एक नागरिक को बाध्य होना पड़ता है। ब्रिटिश शासन ने 1926 में एक एक्ट पास किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खौफ में प्रशासन में जो लोग हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो आम आदमी को कोई भी बात समझाने से कतराते थे। यानी डॉक्यूमेंट देना तो दूर रहा, लेकिन समझाने से कतराते थे, क्योंकि उस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनके पेंशन्स काट दिए जा सकते हैं, उनको नौकरी से बेदखल किया जा सकता है, बहुत सारे पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास। तो इस एक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए, यानी 1949 से वो एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने चला के रखा। सिर्फ 2002 या 2003 के करीब एक पावरफुल अपोजिशन आया उसके लिए कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डिफ़ॉल्ट पोजीशन बन जाएगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपको इन्फॉर्मेशन न मिलने के बनस्बत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन, पोजीशन चेंज किया, इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है। सुलेमान भाई, नज़र ये आता है कि आरटीआई नाम का ये एक्ट ब्यूरोक्रेसी या हमारा जो सियासी ढांचा है, उस पर एक तलवार बन के लटकाया गया। क्या आप इसे इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल, ये आरटीआई एक्ट है, वो ऑफिसर के ऊपर दोधारी तलवार का काम करती है। और थोड़ी सी गलतफहमी ये है आरटीआई के बारे में कि जो शख्स उसको सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानता है, वो आरटीआई में पूछता है, लेकिन आरटीआई में आपको पूछने का अधिकार नहीं है, आपको जानने का और सूचना पाने का अधिकार है। जानने का अधिकार, बहुत कमाल की बात निकली। पूछने, नाजरीन, पूछने और जानने में बड़ा फर्क, और भाई समझा रहे हैं पूछने और जानने का फर्क। तो आप उनको ये नहीं पूछ सकते कि ये क्यों नहीं हुआ, आप उनसे वो जानकारी हासिल हो सकते कि भाई ये किस तरह से होता है और क्या होना चाहिए और किस स्टेज पे है। फिर उसको लेके जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, जैसे अभी मैंने गोरेगांव के अंदर, आप अगर उसको लिटरली अगर बोले तो गोरेगांव में एक गाँव था जहाँ पे प्रशासन ने 5,000 फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट किया था। वहाँ पे रोड नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सैनिटेशन नहीं थी, जानवर से बदतर जिंदगी वहाँ के लोग जी रहे थे। 5,000 फैमिली यानी करीबन 25,000 लोग वहाँ पे, जिनको जो बेसिक सुविधा है वो नहीं मिल रही थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखें, राइट टू लाइफ आर्टिकल 121 वो क्लियरली बोलता है कि हर नागरिक को जीने का अधिकार है और सम्मान से जीने का अधिकार है और स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, बेसिक एम्यूनिटीज, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। तो वो कम्प्लीटली उसके उल्लंघन में था। तो हमने वो जानकारी हासिल की कि भाई ये 5,000 फैमिली को जब वहाँ पे शिफ्ट किए तो क्या क्या होना चाहता था। तो उसमें क्लियर कट ये मिला कि वहाँ पे रोड होना चाहता था, स्ट्रीट लाइट होनी चाहती थी इतने नंबर की, सैनिटेशन होना मांगता था, उसके डायमीटर्स के पाइप जो होने चाहिए थे उससे कम लगे थे, वो हमने RTI में निकाला। और आज आप वहाँ जाओ कि वो RTI जब हमने भेजे चीफ मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को कि भाई ये जो हमारा संविधान है इसके विरुद्ध यहाँ पे काम हो रहा है, और वहाँ से जब प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे जब फैक्स आया चीफ मिनिस्टर को और MMRD कमिश्नर को, तो 15 दिन में वहाँ पे रोड का काम चालू हुआ, 4-6 महीने के बाद पे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बनी, और आज तक अभी काम चालू है। वहाँ पे जो सैनिटेशन के पाइप के डायमीटर्स है वो चौड़े करने में आ रहे हैं। और जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो मेरे एक मित्र है, हम साथ में हुए थे, कृष्णा राव, हमने एक ब्लॉग बना के उसको अपलोड किया, मीडिया ने उसको कैरी किया, और जब ये पब्लिक में आया तो ये काम हुआ। यानी गौर करने की बात ये है कि उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सूचना लिया। सूचना का अधिकार है, पूछने का अधिकार नहीं है। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पाए, और डॉक्यूमेंट्स को आप मीडिया को भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप पुलिस में भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि ये है आपका प्रॉमिस, आपके जो कायदे कानून जो कहते हैं ये है, और ये है परफॉर्मेंस, ये आपकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस और इसमें जो फर्क है वो क्यों है, तब जाके आप पूछ सकते हो कंप्लेंट के। सर मैं आपके पास आता हूँ ये RTI के फायदे और नुकसान पे, उससे पहले मैं जैद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, वो ये कि लाइक हमारा मुस्लिम समाज या वो तमाम समाजी हिस्से जिनके पास माना यह जाता है कि एजुकेशन की कमी है, जिनके पास माना यह जाता है कि तरक्की की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती, उनके और RTI के बीच में कोई ताल्लुक, कोई संबंध एज ऑफ नाउ आपको नज़र आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरा पर्सनली मानना है कि एक इंसान जब उसका कनेक्शन उसके मालिक के साथ सही हो तो वो सारे इंसानों के लिए रहमत बनता है, खुद की सोसाइटी ही के लिए नहीं, खुद के समाज के लिए ही नहीं बल्कि सारी सोसाइटी के लिए। और एक ब्रॉडर थिंकिंग है कि कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी बुराई हो, उसके सोल्यूशन में वो हिस्सा बन सकता है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन भी उसका हिस्सा है। राइट। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मानी हुई है, लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट है, एक ग्लोबल सर्वे जो किया गया उसमें पाया गया 27% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने कोई एक्ट ऑफ करप्शन किया था पिछले साल के अंदर, मतलब ब्राइब दी थी। लेकिन इंडियन एवरेज ये था 54% इंडियंस ने कहा कि पिछले एक साल में हमने ब्राइब दी है। अब ये जब सिचुएशन है और ये जब सिनेरियो है, तो इस सिचुएशन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई सेक्शन सोसाइटी के निगलेक्ट हो जाते हैं, जैसे एक मिसाल हमने देखी। अब क्या वो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम देखते हैं ये कंट्री के लॉज में राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक प्रोविजन है। जैसे लास्ट ईयर की एक एनुअल रिपोर्ट है, तकरीबन 20 लाख एप्लीकेशन हो रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के एवरी ईयर। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल कॉजेज होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कई बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट होते हैं जो खुद करप्शन का हिस्सा होते हैं। इन अ वे एक टाइप का करप्शन है जो इस लॉ को भी यूज कर रहा है। मैं यहाँ आपको रोकूंगा जैद भाई, शायद खालिद पटेल साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो करप्शन के खिलाफ लाए गए इस कानून में मौजूद लोग, एक्टिविस्ट, कई बार वो खुद भी करप्ट हो जाते हैं। उनके करप्ट होने का रीज़न क्या है और उनके करप्ट होने का एरिया क्या है? कृष्ण जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जैसे जैद भाई ने कहा, पहली बात है कि करप्शन हमारे खून में है, वो प्रशासन में नहीं है, वो गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि प्रशासन और गवर्नमेंट भी हमसे ही बनती है, हमारे जैसे लोगों से ही बनती है, और हम उस माहौल में रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो करप्शन को एंकरेज करती है। अब सिस्टम में हम और आप भी रहते हैं और वो भी रहते हैं। हाँ, उनके पास मौका ज़्यादा है, हमारे पास शायद मौका कम है। मैं शायद 2 महीने में एक बार ब्राइब दूंगा, किसी ट्रैफिक हवलदार को या ऐसे, और उनके पास ऐसा है माहौल है कि वो रोज़ ड्राइव लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सब शामिल हैं। अब जब इन्फॉर्मेशन इज़ पावर कहते हैं, तो जिस इंसान के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल एक होटल है, वो पैसे खिला खिला के काम कर रही है, उसने फायर एग्जिट वगैरह सब कॉर्नर करके रखा है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने और भिमानी साहब ने 2 दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन किया एक होटल का, तो वहाँ पे पता चला, मैं उस होटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक मॉल में होटल है, और पता चला कि उन्होंने बिना किसी लाइसेंस के जो कॉमन एरियाज थे, फायर एस्केप एग्जिट एरियाज थे, जो समाज की रक्षा के लिए है कि जो लोग मॉल में आते हैं वो लोग बच के रहें, किसी भी इमरजेंसी के लिए एग्जिट, उस एग्जिट को कवर कर लिया है, उसको पैक कर लिया, उसको अपने रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टोरेज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ये पाए गए। अब ये टाइप की जो करप्शन है, समझो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया, तो ये ज़रूर हो सकता है उन रेस्टोरेंट वालों के पास जाऊं या उन मॉल वालों के पास जाऊं और कहूं, देखो भाई आपके खिलाफ मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि चीफ फायर ऑफिसर ने आपको लाइसेंस मना किया है, फिर भी आप चला रहे हो, आपको खाना खिलाने की लाइसेंस नहीं है, मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करूंगा तो आपके ऊपर रेड हो जाएगा, और मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि आपके ऊपर रेड करें। जब वो देखते हैं कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन का पावर है, तो वो ज़रूर कहेंगे, कृष्णा भाई मेरे साथ आ जाओ, अंदर जाके बैठ के बात करते हैं। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। बैठ के बात करते हैं। जो कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट, आरटीआई का मेन मकसद ये है कि आप करप्शन को जो कर रहे थे कई सालों से उसे ना करें। आरटीआई आने के बाद अधिकारियों को और नेताओं को एक मैसेज गया है कि आपने जो पाप पहले किया है कृपया करके आगे मत कीजिए। जब भी ऐसे आरटीआई आते हैं, जब कोई गलती नहीं करता है, जो कोई गलत काम नहीं करता है, वो आरटीआई से क्यों डरे? वो करप्ट होता है, वही डरता है। तो जब जब ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आती है, तो हमारा तो यही मानना है कि या मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अनिल जी, कि लोग आरटीआई कानून से डरते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट से डरते हैं? सवाल आपका काफ़ी बेहतरीन है। मेरा तो ये मानना है कि लोग ना आरटीआई कानून से डरते हैं, ना आरटीआई कार्यकर्ता से डरते हैं, वो अपने गलत कामों से डरते हैं। क्योंकि आरटीआई का जो मेन मकसद ही है कि आप गलत काम न करें, जो आपने पुराने जो गलत काम किए हैं उसे कंटिन्यू न करें। जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, तो अपने फाइलों को मेंटेन करें, गलत चीज़ों को आप बढ़ावा ना दें। और कभी कोई मंत्री सिफारिश करता है तो उसे राइटिंग में उसका ऑर्डर लें। क्योंकि आज क्या हुआ है कि पूरे देश में हर जगह अधिकारियों ने मंत्रियों की सुनकर गलत तरीके से ऑर्डर को पास किया है। जब भी कोई बंदा आरटीआई से जानकारी मांगता है, तो वो अपने गलत कामों से डरता है, ना कि आरटीआई कार्यकर्ता से डरता है, ना उस आरटीआई सवाल से डरता है। अच्छा, गलत कामों से डरता है, राव साहब अनिल जी का कहना ये है। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल उठ के खड़ा होता है कि इंसान अपने गलत कामों से डरता है या गलत कामों के खुल जाने से डरता है? गलत कामों के खुल जाने से डरता है, क्योंकि गलत काम से डरता तो करता क्यों? और गलत काम, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, गलत काम हम सब करते हैं, ऐसे मेरा मानना है, क्योंकि हम उसी माहौल में रहते हैं, उसी सिस्टम में रहते हैं। लोग शायद कहते हुए कतराएंगे, लेकिन मैं फिर भी खुलकर कह दूंगा, जैसे कि ट्रैफिक में मेरी गाड़ी टो हो जाती है, तो अगर कहीं ब्राइब देना होता है छूटने के लिए, तो मैं ब्राइब दे डालता हूँ कि यार जान छोड़, मेरी पीयूसी नहीं हुई है, अगर तू फाइन मारने बैठेगा, उसके बाल के खाल उतारने बैठेगा, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, ये ले पैसे पकड़ भाग। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा अगर किसी ने ऑन कैमरा पकड़ लिया कि ये देखो कृष्णराज राव पैसे दे रहे हैं किसी हवलदार को और ये ब्राइब दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे गलत काम हम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, उसे एक्सटर्नलाइज नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, एक और बात है, आरटीआई एक्ट का उद्देश्य पारदर्शिता है, पारदर्शिता आनी चाहिए, पारदर्शिता से लोग डरते हैं। बड़ी अच्छी बात आपसे बात करते हुए निकल के आई है। भिमानी साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि इंसान दूसरों को ईमानदार देखना चाहता है कि दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के जीवन में करप्शन ना हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने छोटे छोटे काम, छोटे छोटे मकसद, उसमें वो ब्रश भी हो जाता है, वो रिश्वतें भी देता है, चाहे जैसे कि राव साहब ने बताया कि गाड़ी टो हो जाती है या ट्रैफिक हवलदार रोक लेता है, या हम लोगों को भ्रष्ट होने के मौके मुहैया करते हैं, खुद हम ईमानदार नहीं होना चाहते। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये अपने आप को सुधारने का कितना मौका आरटीआई हमको देती है? अब अगर हम ही गुनाहगार हैं और हम ही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो हम किसके खिलाफ आरटीआई दायर करेंगे और कौन सी बात निकालेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी सवाल ये है कि जैसे कृष्णा राज जी ने बताया कि मैं ये झंझट से बचने के लिए मैं ब्राइब दे देता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं। जब शुरुआत हम करते हैं तो वो शुरुआत को हमें ही रोकना चाहिए और कोई तो रोक नहीं सकता। और दूसरी ये बात है कि अधिकारी जो भी आपके सामने है, अगर उसके सामने आप डट के खड़े रहो, हमें जो हक दिया है, अगर हमने गलती की है, पीयूसी नहीं भरा है, जो फ़ाइन है भाई तू फ़ाइन ले ले, फ़ाइन की रसीद दे। बहुत से टाइम पे मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वो सर्विस चार्ज भी मारता है, सर्विस टैक्स भी लगाता है। अगर उसको मैं पूछता हूँ कि भाई तेरे पास ये TIN नंबर है, सेल टैक्स नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर नहीं है तेरे पास में बिल में, वंस यू आर कलेक्टिंग अ सर्विस टैक्स, Why that service tax is not printed on the bill? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूँगा इसको हमारे ऑडियंस को आप बताएं और एजुकेट करें कि जब वो रेस्टोरेंट में जाएं तो ये कौन कौन से टैक्सेस हैं और उनके लिए कौन कौन से नंबर वहाँ इनका अधिकार है कि बिल पे हों। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, बिल आता है, 1000 रुपये का बिल आया, हमने उसके ऊपर 50 रुपया टिप दे के निकल गए। अभी ये बात मुझे जब खुली, जब मैंने एक बार बिल देखा, मैं बोला ये मैं जो टिप देता हूँ टिप काहे के लिए देता हूँ कि जो सर्विस मुझे प्रोवाइड करता है कुछ मैं उसको टिप देता हूँ, ठीक है। जब मैं बिल देख रहा हूँ तो वो मैं पूछा भाई ये तू सर्विस चार्ज किस चीज़ का लगा रहा है? 90 रुपया उसने सर्विस चार्ज लगाया। तो बोले हमने आपको सर्विस दिया उसका, तो मैं बोला उसका मतलब मुझे टिप नहीं देना चाहिए। फिर 4.94% वो सर्विस टैक्स का लगाता है। तो मैं बोला आपके पास TIN नंबर है, सेल टैक्स नंबर है बिल के ऊपर, लेकिन आप सर्विस टैक्स जो मुझसे कलेक्ट किए उसका सर्विस टैक्स नंबर क्यों नहीं है? आप कहीं पे भी जाओ, जो ब्रांडेड स्टोर है या जो ब्रांडेड आप सर्विस किधर से भी लेते हो, तो वो अगर सर्विस टैक्स लगाता है तो नीचे उसका लिखा हुआ रहता है कि दिस इज़ माय सर्विस टैक्स नंबर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये हम सुलेमान भाई एक बात आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप अगर दुकान पर जाते हो और दुकानदार आपसे एकदम खुले में पूछता है कि सर मैं अगर बिल दूँ या ना दूँ, हाँ, अगर आप बिल लोगे तो 12.5% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, अगर नहीं तो 12.5% कम पड़ेगा। मैंने तो कई बार ऐसे किया है, अरे यार मैंने इतना बार्गेनिंग किया उससे 10% कम करवाने का, अब मैं बिल ले रहा हूँ तो उसको निगेट कर रहा हूँ, बिल छोड़ ये ले पैसे, मामला खत्म कर। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें बॉइल डाउन होती है कि सेट ऑफ मॉरल्स, लॉज, राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि फैक्ट ये है कि करप्शन की वजह से जो करप्शन रिजल्ट हो रहा है अलग अलग लेवल्स पर, बहुत सारी फ्री अपॉर्चुनिटी डिनाई हो रही है, बहुत सारा फेयर कंपटीशन ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जुल्म करने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जेबों को भर के स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, गरीब बहुत सारे लोग हैं जिनके बेसिक खाने के प्रॉब्लम्स हैं। अब जब इस सिचुएशन में हम सब यहाँ बैठे हैं और हम एक बहुत मैक्रो लेवल पर सोचते हैं तो इसके बहुत ही सीवियर रिपरकशंस हैं, जो हम देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत बड़ा हो चुका है, और वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह करप्शन है और बढ़ता ही जा रहा है, ये फर्क बढ़ता ही जा रहा है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या सही और क्या गलत? कई बार क्या होता है कि एक ट्रेंड होता है सोसाइटी में, एक बहाव होता है, कई बार एक गलत चीज़ इतनी आम होती है कि लोग उसे गलत ही नहीं समझते, गलत नहीं समझते, और कई बार ऐसा होता है सोसाइटी के बड़े बड़े जब वो गलत काम करते हैं तो लोग उसे गलत समझना बंद कर देते हैं। फिर भी गलत और सही का एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड हमें पता कैसे चलेगा, ये बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि हम सब इंसान का बनाने वाला जो क्रिएटर है वो हमें डूज एंड डोंट्स, राइट एंड रॉन्ग बताएगा, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर एक इस्लाम ने जो सिखाया है मैं बताना चाहूँगा, कुरान के अंदर आयत है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188, जिसके अंदर आता है कि अपने माल को मत दो हुक्मरान को, दोज इन पावर को, ताकि तुम किसी और के माल को खा जाओ। कोई लाइन में आगे है, अब उसकी जगह पर मेरी फाइल आगे आ जाए या किसी और को पीछे करके अपने आप को आगे करना। उसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्लियर कट रिश्वत देने से रोका गया। बल्कि सिर्फ वो नहीं, बल्कि इसके अंदर एक हदीस है सुनन अबू दाऊद में सही सनद से, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रिश्वत देने वाला है और रिश्वत जो लेने वाला है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत है, कर्स ऑफ अल्लाह है। आप देखेंगे कि जो लोग रिश्वत लेने वाले हैं वो जो पैसा होता है, क्योंकि फैक्ट ये है ना कि एक इंसान दुनिया में तो कर सकता है, सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, एक चॉइस है, इख्तियार है, लेकिन एक चीज़ का रिजल्ट बेयर करना पड़ेगा दुनिया में भी और मरने के बाद की ज़िंदगी में भी। तो जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु जसदिन नबत मिन असुहती फन्नारु औला बिही, हर वो गोश्त जो हराम कमाई खा के बनता है उस गोश्त पर जहन्नम की आग का हक होता है। तो अब यहाँ ये देखते हैं कि गोश्त तो खुद का ही नहीं बन रहा है, वो बच्चे का भी बन रहा है। कई बार ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के जो बच्चे होते हैं उनकी औलाद का रिजल्ट दुनिया में ही दिखने लगते हैं। मेरा तो मानना है कि इसमें जो एथिक्स की बात है, क्योंकि आज समाज में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर जो पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, मगर जो नैतिकता है बेसिकली समाज में से जो नैतिकता खत्म हो चुकी है तो सबसे अधिक जैसे भी चाहे हर धर्म में जो बातें कही है, निश्चित तौर पर उसको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे तो समाज में ना क्राइम होगा ना गलत काम होंगे। तो आज हमें नैतिकता के जो क्लासेस शुरू करने चाहिए, स्कूलों में जो नैतिकता की जो पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, ताकि आने वाली जो अपनी नस्ल है वो इन गलत चीज़ों से थोड़ा बच सके। मैं एक बात पे फिर से लौटना चाहूँ कि आरटीआई एक्टिविस्ट से डरते हैं या आरटीआई एक्ट से डरते हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट अगर खुद को ऐसे वो पेश करता है कि तुम मुझसे डरो, तो वो एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। मेरे पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई एक्टिविस्ट एक बिल्डर से कहता है या एक अधिकारी से कहता है कि देखो तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं, मैंने गवर्नमेंट से पा लिया है, आरटीआई एक्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मैंने पा लिया है। अब मेरे पास आपके पूरे अंदर के मामले मेरे पास हैं, मैं आपका पोल खोल सकता हूँ, मुझसे डरो। ये मुझसे डरो वाली जो भावना है वो खुद एक करप्शन है। फिर वो मुझसे डरो की वजह से उसे पैसे मिलते हैं या मुझसे डरो कहने की वजह से उसे पावर मिलता है। अरे भाई तू एक काम कर, तू मेरे पार्टी में ज्वाइन हो जा, मैं तुझे सीधा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठा दूंगा। वो भी एक करप्शन है। या तुम इन्फ्लुएंशियल हो, दो कदम आगे आ जाओ, लाइन में आगे आ जाओ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा राम साहब, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके करियर में हुआ या आपके किसी साथी के उसमें हुआ जहाँ आपने ये देखा हो ये बड़ा अच्छा आरटीआई का एक्टिविस्ट है और लेकिन इसकी जो पर्सनल एम्बिशंस हैं वो कहीं उसने उसको एक्टिविटीज़ को ओवर पावर कर लिया है और वो एक्टिविस्ट से कहीं ज़्यादा पावर एंजॉय करने लगा है और जैसा आपने अभी कहा कि वो अपने आप को लोगों पे इम्पोज करने लगा है बीइंग आरटीआई एक्टिविस्ट। ये सेल्फ इंपॉर्टेंस का जो करप्शन है मैंने कई बार देखा है और मैं कोई नोटेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ये बात जरूर बगैर नाम के बताइए। मैं नाम नहीं बताऊँगा लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट में ऐसे कई सारे धुरंधर बैठे हैं जिनको आरटीआई के देवता तक माना जाता है, लेकिन ऐसे धुरंधर उस सेल्फ इम्पॉर्टेंस की वजह से, वो लोगों ने सेल्फ इम्पॉर्टेंस का फ़ायदा लिया है, पूरी तरह से फ़ायदा लिया है और लेते रहे हैं एंड दे कंटिन्यू टू टेक दैट। अच्छा यहाँ बड़ा एक चुभता हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, माफ़ कीजिएगा। आपने कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बहुत निडरता से काम कर रहे हैं, ये करप्शन नहीं है कि आप बोल रहे मैं नाम नहीं बताऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ क्यों नहीं बताया? अच्छा हाँ चलो, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे धुरंधर हैं जिनकी अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे ऑन मीडिया, अगर आप नाम चाहते हो तो मैं कई तरह से नाम बताना चाहूँगा। मतलब अगर ये कह रहे हो कि नाम बताओ तो मैं हर तरफ से नाम बता सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट वालों की भी नाम बता सकूंगा, मैं पॉलिटिशियंस की भी नाम बता सकूंगा और मैं आरटीआई एक्टिविस्ट की भी नाम बताऊंगा जो सेल्फ इंपॉर्टेंस का करप्शन कर रहे हैं। yes. और उन्होंने फेस वैल्यू कल्टीवेट किया हुआ है आरटीआई के माध्यम से। अक्सर हमें देखने में आता है ऐसा, जैसा आपने कहा भी मैं नाम नहीं लूँगा, तो इसमें ऐसा भी होता है और इस वजह से भी होता है कि कई बार फेयर फैक्टर होता है कि यार उनका नाम लेंगे, अपने ट्रेड के लोग हैं और परेशानियाँ पैदा होंगी या दिक्कतें आएंगी। तो मैं टॉपिक को मोड़ना चाहता हूँ और इस तरफ मोड़ना चाहता हूँ कि ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इनमें से कुछ भ्रष्ट भी हो जाते होंगे और होते होंगे, मेरे पास डेटाज में कुछ एग्जाम्पल भी पड़े हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा। इन विचारों को खुद को क्या भुगतना पड़ता है? क्या ये खुद ऐसे किसी खौफ से गुजरते हैं? यहाँ मीडिया के सामने आप अभी आपको लगा कि नाम नहीं लेना चाहिए, कभी उनके साथ ऐसा भी तो होता होगा कि जिन लोगों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं वो लोगों ने धमकाते होंगे या जिन लोगों के इंटरेस्ट उनसे टकरा रहे हैं वो लोग भी उनको परेशान करते होंगे या धमकियाँ मिलती होंगी या उनको नुकसान पहुँचाया जाता होगा। हमने कई बार खबरों में पढ़ा कि फलां आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, या फलां आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो मार दिए गए। तो ये क्या माहौल है, ऐसा माहौल है और कैसे माहौल में आप तीनों लोग यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बैठे हैं, आपके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे कि ऐसे खौफ के माहौल से गुजर के आप लोग किस तरह अपनी लड़ाई लड़ पाते हैं, ये सवाल है। मैं शुरू आपसे करता हूँ। निश्चित तौर पर यह सवाल लाजमी है, मगर जब हम इस क्षेत्र में हमने शुरुआत की तो हमने सबसे पहला सोच लिया कि हम मर चुके हैं, क्योंकि जो मरा हुआ आदमी को कोई डर नहीं होता है। क्या बात, जो मर गया उसे काई का डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने पिछले 14-15 वर्षों से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, कई जगह अलग अलग आरटीआई के प्रयोग किए, कुछ में हमें सफलता मिली। तो हमने हमेशा ये सोचा है कि जो आरटीआई हो वो जनहित में हो, किसी के व्यक्तिगत छवि को या किसी के बेडरूम तक जाने की हमने कभी सोची नहीं, ना हमने कभी प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें आरटीआई से जानकारी मिलती है तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डेंस करते हैं उस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने आरटीआई से जानकारी हमने प्राप्त की है, ये एक खामियाँ हैं, यहाँ भ्रष्टाचार है, इसे आप सुधार सकते हो, प्लीज़ आप इस पर काम कीजिए। सर कोई ऐसा इंसिडेंट फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको एक सबसे बड़ा इंसिडेंट बताऊं तो मुकेश अंबानी ओके देश के बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने जब अपनी बिल्डिंग बांधी अंटालिया, उन्होंने बाहर का फुटपाथ कवर कर लिया। जब मैंने आरटीआई से इंक्वायरी की तो महानगर पालिका के अधिकारियों ने उनको नोटिस दी थी, एक्शन शुरू थी, मगर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जो पालिका कमिश्नर थे सुबोध कुमार, उनको अपने प्रेशर में लाकर उन्होंने उसको ऑथोराइज किया, जबकि उन्होंने उस फुटपाथ का जो एफएसए है अपनी बिल्डिंग में लगा दिया था। तो हमने आरटीआई के बाद फॉलोअप किया, हमने सभी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के साथ भेजे। इस मामले में असेंबली में काफ़ी चर्चाएं हुई, एक्शन लेने की बात हुई और हमें 4 साल लगे, मगर वो 4 साल के बाद उस फुटपाथ को मुकेश अंबानी को खुद को तोड़ना पड़ा। यानी अगर हम सही काम करेंगे और अगर जनहित में करेंगे, क्योंकि फुटपाथ मेरा खुद का नहीं था, हम जनता के हित के लिए था, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ईश्वर भी मदद करेगा, आपको प्रशासन भी मदद करेगा और आपको डिपार्टमेंट भी मदद करेगा। लेकिन आपको आरटीआई करते वक्त थोड़ा संयम की ज़रूरत है, थोड़े धीरज की ज़रूरत है। आप तुरंत आरटीआई करेंगे, तुरंत आपको एक्शन नहीं मिलेगा। आपको संयम की सबसे बड़ी आवश्यकता इस आरटीआई कानून में। राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जावेद भाई, ऐसा है कि हर एक एक्टिविस्ट के पास हर मोमेंट पे, हर मोड़ पर उसके पास 2 चॉइसेस आते हैं। एक थोड़ा सेफ होता है, एक थोड़ा अनसेफ होता है। वो हर मोड़ पर आता है। वैसे हर इंसान को ये टाइप के चॉइसेस मिलते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के बेसिक चॉइसेस क्या हैं? पहले वो आरटीआई मारता है तो वो आरटीआई के जो वर्डिंग्स हैं, क्या वो एक इंसान को टारगेटेड उसके वर्डिंग्स हैं या क्या वो जनरलाइज्ड सिस्टम को लगते हुए उसके वर्डिंग्स हैं? आरटीआई एप्लीकेशन के वर्डिंग्स, उसमें उसको सक्सेस या फेलियर मिलेगा। ये एक बहुत आम बात है, एक टिप है जनता के लिए कि अगर आप आरटीआई लिखते हो तो बने वहाँ तक एक चीज़ को टारगेट करके मत लिखो, जनरलाइज करके लिखो, ताकि वो चीज़ के साथ में आपको सभी चीज़ें उसके जो रिलेटेड बातें हैं वो सब जानने को मिले। आप वो सारे कागजात इकट्ठे करो, किसी को ऐसे न लगे आरटीआई से कि आपने उसे टारगेट किया है। पहला काम। हाँ, बेशक आपका नज़र किसी गलत करने वाले के ऊपर होगा, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं सिस्टम को सुधार रहा हूँ, मैं उस इंसान के तरफ विंडिक्टिव यानी कि ज़्यादती दुश्मनी निकाल रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होते, लेकिन बहुत सारे बिल्डर उस फील्ड में हैं कि अगर किसी की कत्ल करवाना चाहें तो उनके पास मैन पावर, मसल, पैसे, हर चीज़ की कमी नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की कमी नहीं है, तो ये लोग कर भी लेते हैं। तो आप अगर किसी बिल्डर के खिलाफ, लेकिन आप उस तरह से उसे संग्रह ना करो, उस चीज़ को आप इन्फॉर्मेशन निकाले, आपने दे दो भाई, शेयर एक्टिविस्ट की ग्रुप में शेयर करो, गवर्नमेंट को लिखो, कंप्लेंट डालो, आप ओपन रखो, आप सनलाइट में लड़ो, आप डार्कनेस में मत लड़ो। मतलब बुरे, आप कहना चाहते हैं बुरे लोगों के लिए एक इंडिविजुअल को भीड़ बना दो तो भीड़ पे हमला नहीं हो सकता, भीड़ में हमला नहीं। और दूसरी बात, इंडिविजुअल पे हमला हो सकता है कि ये बात को आप गुप्त राज मत रखो। राव साहब मैं आता हूँ आपके पास, बहुत अच्छी अच्छी बातें इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। राव साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए और इकट्ठी करके अपनी किसी पर्सनल एम्बिशन के कारण अपने पास मत रखिए, वरना आप टारगेट किए जा सकते हैं। उसे इतना शेयर कर दीजिए कि टारगेट करने वालों के सामने एक भीड़ आके खड़ी हो जाए जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, और भीड़ का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब मैं भिमानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आरटीआई है और इतने आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और इतना इम्पैक्ट है उसका, उसके बावजूद भी हमारे समाज में ऐसे घोटाले क्यों हो जाते हैं? मैं यहाँ जानना ये चाहता हूँ कि जब ये करप्शन शुरू होता है उस वक्त हम आरटीआई वाले लोग या वो लोग जो समाज की ठेकेदारी लेते हैं वो कहाँ थे और कहाँ होते हैं? और ये आखिरी वक्त में आके जब ये घोटाला खुलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मुजरिम और जुर्म करने वाले और जुर्म छुपाने वाले और जुर्म जानने वाले सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हों? बिल्कुल, जुर्म करने वाले, जुर्म की प्लानिंग करने वाले और जुर्म छुपाने वाले सब एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो ये जो करप्शन होता है, राइट, हाई लेवल पे, एक मेरे को एक बताओ कि गरीब आदमी ने क्या करप्शन किया? रिक्शा वाला को पुलिस वाला पकड़ता है, भाई तेरी परमिट ला, पीयूसी ला, वो करप्शन कितने का करेगा? 100-200 रुपये का करेगा। उसकी 500 रुपया कमाता है तो 200 रुपया लेगा पुलिस वाला और छोड़ देगा, बट वो भी एक करप्शन है सर। और मैं आपको टोक रहा हूँ मेहमानी साहब, यहाँ करप्शन हर जगह और उस जगह भी है। मैं खुद खड़े होकर ये देखता हूँ, यहाँ कम से कम अगर हम मुंबई की बात करें, आज की तारीख में मुंबई में रिक्शा वाला खड़ा होता है, आप उसके पास जाइए कि भैया मुझे ये पड़ोस में जाना है 2 कदम, वो आपको मना कर देते, साहब मेरे को वहाँ सवारी लेके जानी, जबकि कानून ये है कि उसको बैठने के बाद सवारी से पूछना है कि आपको कहाँ जाना। बिल्कुल, ये फॉर्म ऑफ करप्शन है। हाँ, तो उसके इख्तियार में जितना करप्शन है वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं मानता हूँ, लेकिन ये फॉर्म ऑफ करप्शन को अगर रिक्शा वाला आपको मना करता है, एक तो पहली बात आपने उसको पूछा क्यों, सबसे पहली बात। अगर उसका मीटर अप है, अगर हाफ डाउन है तो आप उसको पूछ नहीं सकते हो क्योंकि वो घर पे जा रहा है या क्लोजिंग कर रहा है या जो भी है। अगर जब उसका मीटर अप है, आप उसके रिक्शा में बैठो और उसको बोलो मुझे यहाँ जाना है। अगर वो मना करता है, उसको बोलो भाई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तुम वहाँ पे ले चल, वो आपको आपकी जगह पे ले जाएगा। एक ये हमारा हक है, राइट। और दूसरा, हमें हमारी हक की जानकारी नहीं है, हमारा जो अधिकार है उसकी जानकारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। आप वही रिक्शा में बैठो, रिक्शा में उसका नंबर लिखा हुआ रहता है। आप आपके अभी तो सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मैंने ये यूज़ किया हूँ और वो रिक्शा वाले को मैंने वो उसका रास्ता दिखाया कि तूने मुझे रिफ्यूज़ किया और तू अभी इसकी कीमत वसूल कर। तो आप उसका फ़ोटो निकालो नंबर प्लेट के साथ में, वो रिक्शा वाले का फ़ोटो निकालो, वेदर ही इज़ इन यूनिफॉर्म या विदाउट यूनिफॉर्म, राइट। और पुलिस का SMS की सिस्टम है, इमीडिएटली आप उसको SMS करो कि भाई ये रिक्शा वाला ने मुझे रिफ्यूज़ किया है, मैंने मेरे पास इसके फोटोग्राफ है। विद इन 5 मिनट्स कमिश्नर से आपको फ़ोन आएगा कि आप कौन से लोकेशन पे हो। आप बोलो ये चीज़ है, ये रिक्शा वाला मुझे तंग कर रहा है। इमीडिएटली या तो वायरलेस आएगा या कोई बाइक के ऊपर बीट मार्शल आएगा और वो रिक्शा वाले को ले जाएगा और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करेगा। अगर आप ये शुरुआत करते हो, इनिशियल आपका टाइम जाएगा, यानी पेन लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई पेन लेना नहीं है और आप सोचते हो कि RTI आ गई कि जादू की छड़ी है, सब अच्छा होगा, तो नहीं है। नहीं, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर स्वच्छ भारत चाहिए तो हमें हमारा घर भी साफ करना पड़ेगा, हमारी बिल्डिंग भी साफ करना पड़ेगा और हमारे सामने का जो रास्ता है वो भी साफ करना पड़ेगा और खुद को भी साफ करना पड़ेगा। यानी जब अंदर से अगर आप साफ नहीं हो तो ये कभी नहीं सुधरेगा। तो अगर हमें हमारे देश को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारना है। छोटे से छोटे करप्शन को आप बंद करो। मैं बहुत कीनली सुन रहा था, राइट फ्रॉम पॉलिटिशियन से लेकर ऑटो ड्राइवर तक, जो करप्शन हमारी सोसाइटी में स्प्रेड है और जो कोशिशें और जो आपने कहा, आई रियली अप्रिशिएट। यानी क्योंकि ऐसे सिंसियर ऑनेस्ट लोग जो सोसाइटी में लोगों के राइट्स के लिए खड़े रहें, जैसे कहा जाता है ना, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। पहली आयत जो कुरान की आई थी वो थी इकरा, रीड, क्योंकि पढ़ने से, और ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक ऐसी चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर एक आम आदमी के हाथ में एक किस्म का पावर आया है। हाँ, वो पावर को मिसयूज़ करने वाले भी लोग हैं और सही यूज़ करने वाले भी लोग हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा सब क्यों हो रहा है? वाई शुड समबडी डू ऑल दिस? आपने ऐसा कहा कि एक मरे हुए इंसान की ज़िंदगी जीना है, तो आखिर में ये क्यों करे कोई? वॉट डू वी स्टैंड टू गेन? क्या होगा हमारा गोल और पर्पस? तो मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक टाइप का करप्शन है जो करप्शन ऑफ बिलीफ है। अगर बिलीफ में करप्शन हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये समझ नहीं रहा है कि इंसानों का क्रिएटर है, जिसने इंसानों को बनाया है, जो हमारी हर सांस पर जिसका कंट्रोल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं जो एक इंसान के जिस्म को सही तरह से फंक्शन करने से रोक सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं जो इस कायनात और यूनिवर्स जो चल रहा है एक सिस्टम के साथ, वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन एक ज़ात और एक ताकत है जो रोक रहा है ये सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स को, कि जो हमारे जिस्म को डिस्टर्ब ना करे और हमें जीने मिल रहा है, या जो इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब ना करे, ज़मीन को डिस्टर्ब ना करे, और ये ज़मीन प्रॉपरली सिस्टमेटिक चल रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब अगर किसी का बिलीफ उस क्रिएटर के बारे में गलत होता है कि भाई ये पूरी दुनिया को अगर देखें तो कितना परफेक्शन है ये पूरे यूनिवर्स में, अगर नहीं होता तो पूरी यूनिवर्स कब ख़त्म हो चुका होता। तो जिस क्रिएटर ने ये यूनिवर्स को बनाया, क्या वो इंसानों के बीच में इंसाफ नहीं करेगा? क्या वो अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं देगा? क्या वो बुरों को बुराई की सज़ा नहीं देगा? तो कोई अगर करप्शन करके आज अगर अपनी जेब भर रहा है, बट अगर वो ये चीज़ को रियलाइज़ करे कि किसी की पकड़ है मुझ पर, चाहे कोई RTI एक्टिविस्ट मेरे खिलाफ कंप्लेन करे या ना करे, लेकिन कोई है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लोग RTI एक्टिविस्ट से भले ही आज डरने लगे हैं, लेकिन जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, और जो यकीनन इंसाफ करेगा इंसानों में, तो वो उस सोर्स के बारे में अगर बिलीफ में करप्शन आए तो ये फाउंडेशन है, यहाँ से स्प्रिंग आउट होंगी सारी चीज़ें। और यहाँ अगर सुधार आ गया तो चाहे कोई RTI एक्टिविस्ट हो या ना हो, एक सोसाइटी सुधरने लगेगी। तो आपकी बात से बड़ा अच्छा एक जुमला निकला है, और वो ये है कि करप्शन ऑफ बिलीफ, ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी, करप्शन ऑफ बिलीफ। ये जो करप्शन ऑफ बिलीफ है, इसे और थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंसान का संबंध उसके क्रिएटर से, एक एहसास और एक ये रियलाइजेशन कि आज कोई इंसान बुरा करे तो कल उसे उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। he will have to face the consequences. और अच्छा करते करते भले ही उसकी जान चली जाए, भले ही उसे एक मुर्दा इंसान की ज़िंदगी जीने पड़े, लेकिन उसे एक अच्छाई का बदला मिलेगा. बट हमारे सामने एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं. अगर हम कर रहे हैं ताकि कोई दिन मुझे जाके एक अवार्ड मिलेगा या कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई देख रहा नहीं है, एक इंसान ने साइलेंट वर्क किया, अनअप्रिशिएटेड गया वो वर्क, तो कहाँ है उसका बदला, कहाँ है एक अच्छाई का बदला? ये एक सवाल है. आप जो बात कर रहे हैं इसमें से मेन पॉइंट ये है, मुद्दे की बात ये है कि हमें एक नागरिक होने का जो एहसास है उसे एलिवेट करना है. हम नागरिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेचारे हैं, अरे मैं बेचारा नागरिक हूँ, ये नहीं है. मैं नागरिक हूँ उस अंदाज से कह सकते हैं हम नागरिक हैं, हम इस देश के रखवाले हैं. ये लोकशाही है तो मैं लोकशाह हूँ, मैं इस देश का शाह हूँ, उस अंदाज से कहते हैं. जब हम कहते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम रट के सीखते हैं बचपन में, लेकिन ये ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे ही नहीं है. हम उनके हक की रक्षा करेंगे और इसके लिए हमें शेर होना पड़ेगा. बहुत अच्छी बात की आपने, हमें शेर होना पड़ेगा. मैं यहाँ आपकी बात काटते हुए जैद भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो राव साहब ने अच्छी बात उठाई कि हम एक शेर हैं, हम फख्र से, हम ज़ोर से, हम पावर से ये क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये मेरा मुल्क है और इसके अच्छे और बुरे दोनों कामों पर नज़र रखना मेरा हक है? क्यों नहीं कहते? या हमारे अंदर मौजूद ये ऑटो ड्राइवर से लेके सबसे छोटी बात और पॉलिटिशियन तक हमने करप्शन डिस्कस किया, क्या ये करप्शन हमें बुजदिल बना देता है? क्या हमारे अंदर का जो ये करप्शन है हमारे अंदर की इस बहादुरी को ख़त्म कर देता है, जहाँ हम बहुत ज़ोर से ये कह सकें कि हम शेर हैं, बहुत ज़ोर से ये कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत ज़ोर से ये कह सकें कि तुम गलत कर रहे हो, मेरे साथ नहीं इनके साथ गलत कर रहे हो? नहीं, देखिए मैं आपको एक बहुत बुनियादी और एक थोड़ी अलग किस्म की बात कहना चाहता हूँ. मेरा कहना है कि बहुत सारे अच्छे स्लोगन्स, अच्छी सारी बातें सुनते रहते हैं हम, और वो थोड़ा कुछ मिनटों के लिए इंस्पायर भी करती है, लेकिन उसके बाद एक बुनियादी सवाल आता है कि आखिर में क्यों? कुछ बातें सुनकर अच्छा लगता है, बट वाई? ये अगर बुनियादी वजह हमारे दिलों में अगर वाजे हो और क्लियर ना हो तो अ पर्सन विल नॉट हैव द मोटिवेशन. उसके पास वो एक जज्बा नहीं आएगा कि क्यों वो मुश्किलों के बावजूद, तकलीफ के बावजूद, कोई नहीं देख रहा है, अनअप्रिशिएटेड जाने वाला है, उसके बावजूद भी ऐसे सारे टूल्स, आरटीआई जैसे टूल्स जो आज दुनिया में मिल रहे हैं, ऐसे और भी जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, वो टूल्स को इस्तेमाल करके इंसानों को भला पहुंचाए, आखिर में क्यों? तो ये वजह बहुत क्लियर दिल में होना ज़रूरी है कि भाई एक बात क्लियर है, कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, और अच्छी चीज़ को अच्छा बदला मिलेगा ही मिलेगा, बुरी चीज़ को बुराई की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी. और ये एक एहसास जब होगा एक सोसाइटी में, वो एहसास जितना पैदा होगा उतनी वो सोसाइटी अच्छाई की तरफ बढ़ेगी. तो जब तक हमारे ये बिलीफ के अंदर जो करप्शन आ गया, मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर ये समझ रहा है कि नहीं कोई देख रहा नहीं है, कोई कुछ होने वाला नहीं है, कोई चीज़ रिकॉम्पेंस मिलने वाला नहीं है, अगर उसका ये बिलीफ है, अगर उसका ये मानना है, तो फिर वो उसे बहाव के साथ बहेगा. देन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अच्छा, मैं यहाँ तो जंगल का कानून है. जैसे यहाँ आपकी बात से ये समझ लूँ कि किसी भी अच्छाई को बाहर आने के लिए देखे जाने का खौफ ज़रूरी है, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? जी, तो बीइंग ऑन सर्विलांस और बीइंग वॉच्ड ज़रूरी है जी. कि कोई भी इंसान अच्छा तब तक नहीं हो सकता कि उसे या तो आरटीआई एक्टिविस्ट या उसका खुदा या उसका भगवान देख रहा है, जब तक उसे ये एहसास ना हो अच्छा नहीं हो सकता. यहाँ सवाल ये है, दोनों में फ़र्क करना होगा. इंसानों का देखना एक बात है जो सब्जेक्टिव है, कि जैसे एक पॉइंट आया था ना कि कोई मीडिया वाला वहाँ तो नहीं है, कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन तो मुझ पे नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात है कि जो क्रिएटर देख रहा है तो वो मर्सीफुल है, वो जस्ट है, वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करेगा. जैसे पूरी यूनिवर्स में एक सिस्टम है हम देख रहे हैं, तो इंसाफ का भी तो सिस्टम है, और उसके तो सिस्टम में कोई करप्शन नहीं है. जी, कोई करप्शन नहीं है. और ये अंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होगी तो तब एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि एक इंसान मुश्किलों के बावजूद भी एक चीज़ जाकर हासिल कर सकता है और किसी के भले की वजह बन सकता है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफाहुम लिन्नास. अल्लाह को जो बंदे सबसे ज़्यादा पसंद है वो बंदे हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ निकल के आई. हमारे जैद खालिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और वो ये कि आप जिस मजहब को भी मानते हो, जिस धर्म को भी फॉलो करते हो, अगर आपको ये एहसास है कि आपका खुदा, आपका मालिक आपको देख रहा है और आपके अच्छे और बुरे का हिसाब रख रहा है और उसकी बुनियाद पर आपको सज़ा या जज़ा होगी, तो आपको शायद किसी आरटीआई की ज़रूरत ना पड़े, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की ज़रूरत ना पड़े. आपके अंदर खुद एक अच्छाई का जज्बा पैदा हो और आप दूसरों के लिए, अपने मालिक के हुक्म पर दूसरों के लिए सर्व करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए लड़ना शुरू कर दें. आइए अनिल जी आपकी तरफ आते हैं. आप से मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरटीआई से जुड़े हुए लोग हैं यानी एक्टिविस्ट हैं, ये कौन लोग हैं, कौन से समाज से आते हैं, मैं जानना ये चाहता हूँ। हम में से जो ये लोग आरटीआई ज्वाइन करते हैं ये करियर बनाते हैं, इसे अगर मैं कहूँ हाइपोथेटिकली कहूँ आरटीआई एक्टिविज्म को करियर बनाते हैं, तो ये कौन लोग हैं, क्या चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट करती है, क्या इनके अंदर वो जज्बा होता है जिसकी बात अभी जैद भाई कर रहे थे या राव साहब कर रहे थे, या कोई कैरियर लेके आता है या खुद पसंदी की बात लेके आती है या पार शेयर करने का जज्बा लेके आता है, क्या है? निश्चित तौर पर आपने जो बात कही उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि आज जो एक्टिविज्म में लोग आए, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे आरटीआई में हो, चाहे कोई प्रशासनिक सेवा में हो या पॉलिटिशियन हो, हर एक आदमी अपनी फल की इच्छा करता है। जैसे जैद भाई ने कहा तो उसके मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। और आज हम देखेंगे कि मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर लोग एक्टिविज्म करते हैं। जब कोई एक आरटीआई अर्जी करता है तो तुरंत उसे आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होती है। आप किसी के एक आरटीआई पर उसे एक्टिविस्ट मत कहिए, आप उसके एक काम पर उसे अच्छा इंसान मत कहिए, उसे और कई काम करने का मौका दीजिए, क्योंकि जरूरी है कि एक काम में वो रिजल्ट आ सकता है या एक आरटीआई में वो रिजल्ट आ सकता है। निश्चित तौर पर आज मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर लोग आरटीआई एक्टिविस्ट का मिसयूज़ भी करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में घुसपैठी की तरह घुस चुके हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जब जब इस बारों की चर्चा मीडिया में होती है, टेलीविज़न पर होती है कि आरटीआई से लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से पूछा था कि आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है क्या जिन लोगों ने गलत तरीके से आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किया है, जिन लोगों को ब्लैकमेल किया है, किन किन लोगों के खिलाफ आपके पास शिकायतें दर्ज है। लेकिन सरकार ने हमें जवाब दिया कि हमारे पास किसी का भी एक भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी ये सब कल्पनाएं भी होती है। और मेरा तो मानना है कि जब भी कोई ऐसी मूवमेंट होती है, जब भी ऐसा कार्यक्रम होता है, तो उसके ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव तो चीज़ें होती है, मगर एक व्यक्ति के गलत काम से आप पूरे एक्टिविज़्म को बदनाम मत कीजिए, एक व्यक्ति के काम से उस धर्म को बदनाम मत कीजिए, एक व्यक्ति के गंदे काम से उस देश को बदनाम मत कीजिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक व्यक्ति, अगर अनिल गलगली ने कुछ गलत किया है तो अनिल गलगली किस देश का है, किस धर्म का है, उससे उस धर्म को बदनाम मत कीजिए। तो आरटीआई एक्टिविज्म अच्छी चीज़ है, मगर उसका कैसा इस्तेमाल लोग करते हैं उस पर डिपेंड है। आरटीआई एक्टिविस्ट का पैसे के साथ एक बड़ा अजीब सा और अनकंफर्टेबल रिश्ता है, और उस रिश्ते के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। जी, कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर या नॉलेज इज पावर। जब इंसान के हाथ में पावर आ रहा है और वो पावर किसको दिया गया है, दैट पावर हैज़ बीन गिवन टू द पीपल। तो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज करने का एक जरिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्फॉर्मेशन मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज करने का। अब जिसने आरटीआई के पावर को जाना, जिस इंसान ने जाना, वो इंसान पावरफुल हो जाता है। ही बिकम्स पावरफुल इनफ टू क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ सेक्रेटरी, द जजेस। उसके अंदर वो पावर आ जाती है। Any person with the power. हाँ, जैसे कि एक टूल है, एक टूल का मुझे महारत मिल गया है, मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ उस टूल में। जैसे इन्होंने कहा वो एक टूल है, आरटीआई एक टूल है, कंप्लेंट करना एक टूल है, जर्नलिस्ट का, मीडिया का जो पावर है वो एक टूल है, ऑथर का लिखने का जो एक पावर है, समझाने का पावर है वो एक टूल है, फोटोग्राफर का पावर का एक टूल है, स्टिंग ऑपरेशन करने वाले फोटोग्राफर का या वीडियोग्राफर का एक टूल है, उसी तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक टूल है, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। लेकिन उस टूल का पैसे से डायरेक्ट संबंध है सर, और उसे हम आरटीआई एक्टिविस्ट अनदेखा करते हैं। मैं ये कहूँगा, थिंक ऑफ इट नॉट एज अ फील्ड ऑफ एक्टिविज्म और इवेंजलिज्म, उसे एक प्रैक्टिस समझ लो। वकील है, वकालत करता है, कानून जानता है, क्या उसको पैसे नहीं मिलते? क्या वो पैसों का हकदार नहीं है? बिल्कुल है। आरटीआई कैन बी अ प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड। राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक प्रैक्टिस समझ लो। उसका पेमेंट कहाँ से मिलेगा? तो पेमेंट दो तरीके से मिल सकते हैं। एक, जो उसका बेनिफिशियरी है, जो उसका बेनिफिशियरी प्राइवेट पार्टी है, वो सताया हुआ है, वो हारा हुआ है, वो नहीं जानता आरटीआई को कैसे विल्ड करना, वो नहीं जानता कंप्लेंट कैसे लिखना, वो नहीं जानता मीडिया को कैसे मूव करना। एक आरटीआई एक्टिविस्ट अगर उसे वो सर्विस दे सकता है कि तेरी पीड़ा को मैं दूर करूंगा, तेरे दर्द को मैं दूर करूंगा, मैं लड़ूंगा तेरे तरफ से, तो वो एक प्रोफेशनल है और उससे पैसे लेने के उसके अधिकार हैं सर, और उसे लेने चाहिए। बहुत अच्छी बात पे, बहुत अच्छी नोट पे हम प्रोग्राम को खात्मे की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ। कि और अगर आप नहीं दोगे तो वो फिर उल्टी करप्शन की तरफ जाएगा, करप्शन की तरफ जाएगा, उसकी जरूरत है, उसको करप्ट कर देंगी। इसमें एक बहुत अहम बात ये होती है कि जो कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीपल इन पावर है, जिनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक मिसाल बताता हूँ, मोहम्मद के ज़माने में एक ऐसा पर्सन जिससे टैक्स कलेक्टर बना करके भेजा गया था। अब उसने जो कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद कहा कि ये जो टैक्स मिला था ये है और ये मुझे एक गिफ्ट मिला। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एड्रेस करके कहा कि तुम घर पे बैठकर क्यों नहीं देखते कि कोई तुम्हें गिफ्ट देने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई गिफ्ट होता है जो गिफ्ट मिला फॉर दोज इन पावर। अब ये जो मिसयूज़ है ये एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। हालांकि हमें ऐसे सिंसियर लोगों की ज़रूरत है एट डिफरेंट लेवल्स जो इस चीज़ को दूर करें और यही चीज़ समझने के लिए बल्कि एक पूरी सोसाइटी में एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए। वो माहौल पैदा हो गया तो पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स बैकग्राउंड्स बैठकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो सही बात है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आज भले ही हमारा आरटीआई का टॉपिक है लेकिन बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स जो आज ये डिस्कशन में मैं फील कर रहा हूँ आप सबके साथ बैठकर। तो यहाँ होना ये चाहिए कि हम जब डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं थॉट्स, और उसके अंदर ये जो बिलीव का करप्शन है ये दूर होंगे। कई लोग क्या बिलीव करते हैं कि कुछ सेटिंग करके मैं वहाँ भी बच जाऊँगा, मतलब जब उनका वो बिलीव का करप्शन है, जब वो समझते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें हर कोई पकड़ा नहीं जाएगा, तो वो बिलीव के करप्शन की वजह से दुनिया में करप्शन हमें दिख रहा है। मतलब कुफारे के पैसे रख के गुनाह करना ये बिलीव का करप्शन है। बहुत खूबसूरत टॉपिक और बहुत अच्छे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन बहरहाल घड़ी की सुइयां रोके से नहीं रुकती हैं और घूमते 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 हर वक्त को अपनी इंतहा में पहुंचा देती हैं। हमारा ये प्रोग्राम, ये टॉपिक भी अपनी इंतहा की तरफ है। अब मैं अपने चारों पैनलिस्ट से चाहूँगा कि 30-30 सेकेंड में वो कोई एक ऐसा मैसेज जो आरटीआई एक्टिविस्ट को और आरटीआई भुगतने वाले लोगों को यानी आम आवाम को देना चाहें। आरटीआई की अच्छाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अच्छाई है, और उससे पैदा होने वाली बुराई है, उनसे कैसे बचा जाए, अच्छाइयों को कैसे अडॉप्ट किया जाए। मैं चाहूँगा शुरू करते हैं राव साहब से, आप अपने ऑडियंस को कोई मैसेज दें। मैं ये समझता हूँ कि हर नागरिक का हक बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन यानी कि दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से निकालें, पढ़ें, समझें, इंटरप्रेट करें और उसे या तो मीडिया के सामने रखें या फिर उसके बलबूते पे कंप्लेंट करें उस गवर्नमेंट से, म्यूनसिपैलिटी से या जो भी हो, या फिर किसी PIL करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करे, कोर्ट में जाए। यानी वो इन्फॉर्मेशन की ताकत से सच्चाई की लड़ाई लड़े और आम आदमी की लड़ाई लड़े, न कि सिर्फ अपनी लड़ाई लड़े और अपनी ज़्यादती लड़ाई लड़े। वेरी गुड। अपनी ज़ाती लड़ाई न लड़के सिस्टम के करप्शन के खिलाफ लड़ाई। सुलेमान भिमानी साहब, आपका मैसेज। अभी ये आरटीआई है, इट इज़ पावर ऑफ कॉमन मैन। जो संविधान ने हक दिया है उसका और जो हमारा अधिकार है उसको इस्तेमाल करें। आप जब भी इंफॉर्मेशन निकालते हो आरटीआई के थ्रू, जैसा मैंने शुरुआत की थी, मैंने वो पेपर स्कैन करके अपना एक ब्लॉग बनाया और मैं वो पूरी डिटेल उसमें ब्लॉग में डाल के और मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर अधिकारी जो इससे कंसर्न्ड है और जितने भी मीडिया के मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उसको सबको भेज देता था। मेरे पास अगर 5 बजे आता है आरटीआई का इन्फॉर्मेशन, फिर वो 5 बजे से मैं स्कैन करना शुरू करता हूँ, फिर वो 7 बजते, 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते, जब तक वो स्कैन होके वेब पे अपलोड नहीं हो जाता है तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेता हूँ। उससे ये एक बेनिफिट है, अगर आप आरटीआई का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करते हो, तो उससे कभी भी आपके ऊपर अगर कोई धमकी देता है या कुछ होता है तो इमीडिएटली पुलिस को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इनके ऊपर हमला हुआ है या अटैक हुआ है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और आपको कोई डर नहीं रहेगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है। इन्फॉर्मेशन अपने पास रोकना नहीं है, इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली स्प्रेड कर देना है। सिंपल और साफ और सीधा मैसेज है। अनिल गलगली जी, आपका मैसेज। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब सरकार काम नहीं करती है, जब अपने वो कर्तव्य से विमुख होती है और अपने उद्देश्यों से भटकती है, तब लोग आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा तो मानना है कि देश के सभी 125 करोड़ जनता को, हर एक को एक आरटीआई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि आरटीआई सचमुच में क्या है, उसका क्या लाभ है और उससे सरकार कैसे हिलती है। क्योंकि आज देश में जो जो भ्रष्टाचार सामने आया है वो आरटीआई के जरिए आया है, आरटीआई ने एक्सपोज किया है और आने वाले दिनों में भी ऐसे कई मामले एक्सपोज होंगे। ज़ैद खालिद भाई, आपका मैसेज। जी, मेरा मैसेज सारे लोगों के लिए ये है कि दोनों टाइप के करप्शन इन बिलीफ और करप्शन इन एक्शंस, दोनों के दोनों को ख़त्म करना है। और ऊपर वाले ने हम सबको अक्ल दी है सोचने के लिए, और सोचकर हम अपने बिलीव्स को सही करें, हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप हमारे क्रिएटर के साथ सही हो, हम एक एहसास ज़िंदगी में रखें कि आखिर में मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। और जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सही एक्शन, और सही एक्शन में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गलत चीज़ जो हो रही है तो वो सारे लोग जो गलत चीज़ को होने देते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। साइलेंट स्पेक्टेटर्स आर डेंजरस। आखिर में एक हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो गलत चीज़ होते देखे फल युगैर बियदिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोके, वइलम यस्तती, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है फबिलिसानी, तो अपनी ज़ुबान से रोके, वइलम यस्तती, और अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है फबी कल्बिही, तो दिल में बुरा समझे। और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। ईमान का रिक्वायरमेंट है कि गलत चीज़ को होते देख कर उसे रोका जाए, जिस किसी बेस्ट तरीके से हम उस सिचुएशन में रोक सकते हैं। तो मैं उभारूंगा हर वो शख्स जिसके अंदर दिल में एक फीलिंग है, एक एहसास, एक कॉन्शियंस है कि इस चीज़ को, और ये प्रोग्राम के अंदर आई होप कि वो एक भावना, एक फीलिंग लोगों के दिलों में आई होगी और एक एहसास हुआ होगा कि इट इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं। ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं जो कर रहे हैं, ये भी आपके और मेरे जैसे इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है जिन्हें एक मौका मिला, उन्होंने उस मौके को देखकर आगे बढ़े और उस चीज़ को यूज़ किया ताकि समाज में एक बेहतरी पैदा करें। और इस तरह से हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम किसी की तकलीफ दूर करने में थोड़ा सा जरिया बन जाए। करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन ये एक इम्तिहान और आजमाइश है हम सबके लिए कि क्या हम ये रोल अदा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जिस तरह हर खूबसूरत चीज़ को अपने अंजाम तक पहुंचना होता है, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम भी अपने अंजाम को पहुंचने को है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और आखिर में मैं हम सब की तरफ से आपसे कहना चाहूँगा कि एक खूबसूरत, एक अच्छा, एक इफ़ेक्टिव कानून आपके हाथ में है। आप जहाँ इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ कीजिए, जहाँ आप समझते हैं आप नहीं कर पाते, अपने जैसे दूसरे भाइयों को, दूसरे एक्टिविस्ट को अपने साथ जोड़िए। कंधे से कंधा मिलाकर करप्शन के ख़िलाफ़, कंधे से कंधा मिलाकर बुराई के ख़िलाफ़, कंधे से कंधा मिलाकर हर उस बात और हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे देश और देश के हित के ख़िलाफ़ काम करती है, उसके ख़िलाफ़ हमें काम करना है, उसके अगेंस्ट हमें काम करना है और राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैं अपील करूंगा उन तमाम एक्टिविस्ट से भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, अपने आप को और अपने नए बनते हुए समाज को करप्शन से बचाइए। वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो इसे करप्ट करने की हैं उनसे बचाइए। बाकी आपकी जिम्मेदारी आपका समाज लेगा। जिस दिन इस समाज को ये एहसास हो जाएगा कि आपका किया जाने वाला काम कितना बड़ा है, आपका साथ पूरा समाज देगा। और मैं इन दो लाइनों के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हो।